कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि काफी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर वे नाराज चल रहे थे और जम्मू कश्मीर में जो पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी उससे वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। विस्तार से आपको बता देते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पेज का इस्तीफा भेजा है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए पत्र में लिखा कि 2013 में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को उसके कारण धीरे धीरे पार्टी के जमीनी नेता दूर हो गए हैं। उनकी ओर से राहुल गांधी के लिए कहा गया है कि वो अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। वहीं पार्टी इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने यह भी लिखा कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने तंज भी कसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। 5 पेज का इस्तीफा जो उन्होंने सौंपा है और राहुल गांधी पर यहाँ पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये 5 पेज का इस्तीफा सौंपा गया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि किन चीजों को लेकर जो है उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। काफी लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे, नाराजगी सामने भी आई थी और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इससे पहले भी कई दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके हैं और आज गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता आजाद काफी दिनों से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति असंतुष्ट चल रहे थे। उन्होंने पार्टी को कई बार आगाह भी किया था और आज इस्तीफा दे दिया है। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उनके पार्टी में कद के हिसाब से नहीं है, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आई। आजाद का इस्तीफा पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर समेत राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। आजाद ने 5 पेजों में पार्टी से इस्तीफा देकर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। ये भी हमने आपको जिक्र में बताया कि किस तरीके से उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा पार्टी का नया अध्यक्ष भी कठपुतली ही होगा। पार्टी पर सभी बड़े नेताओं को किनारे करने का आरोप नवी ने लगाया है। पार्टी से इस्तीफे में गुलाम नबी ने पार्टी की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को साफ तौर पर यहां पर जिम्मेदार बताया है। ठहराया गया उनकी तरफ से राहुल गांधी को जिम्मेदार। उन्होंने राहुल के नेतृत्व को भी बचकाना कहा है। तो जोरदार हमला राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद ने बोला है अपने पत्र में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर बात रखने की जगह भी नहीं छोड़ी है। पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव का खेल हो रहा है। आजाद ने सोनिया गांधी को लिखे त्याग पत्र में लिखा, पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ से। उन्हें अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हालात अब ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां से वापस नहीं आया जा सकता। ये बड़े गंभीर आरोप आजाद की तरफ से लगाए गए हैं। आजाद के इस्तीफे पर निशाना जताते हुए कांग्रेस ने कहा कि गलत वक्त में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, इस वक्त पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है।